हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ। देखिए, ये 7 नंबर का साइज है और 8 नंबर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करी थी और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैंने 14 फंदे डाले हैं। देखिए, मैं इसे बताती हूँ आपको। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, ये देखिए, मैंने इसके लिए 14 फंदे डाल लिए मैंने इसमें, और अब मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनूंगी। देखिए, 14 फंदे मैंने बुन लिए, फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो, ये लेफ्ट साइड के, इसे भी मैं सीधा ही बुनूंगी। देखिए, दो रो कंप्लीट हो गई हैं और इस तरीके से मुझे ये 5 रो बनानी है। टोटल मुझे 10 रो बनानी है। 10 उल्टी सीधी गिनूंगी तो मैं 10 रो हो जाएंगी। तो इस तरीके से 5 बननी है, जैसे ये बनी है, 1 2 3 4 5। तो मैं आपको 5 रो बना के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5 रो बना लिए, टोटल 10 रो हैं। ये राइट साइड से है, 1 2 3 4 5, ये 5 रो बन गई हैं। अब हमें दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने हैं। दोनों तरफ से मतलब बीच में से इधर भी बढ़ेगा फंदा, इधर भी बढ़ेगा। इधर देखिए, ये इस तरीके से, ये जो 6 हैं, हम 6 को तो ऐसे ही बुनते जाएंगे और इसके बाद ये फंदे बढ़ते जाएंगे। दोनों तरफ से ये ऐसे फंदे बढ़ेंगे तो बीच में ये पैटर्न बनेगा। दोनों तरफ से हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब तो 6 हमें इसी तरीके से बुनने हैं दोनों तरफ से सीधे सीधे, और बाकी ये पैटर्न अब बढ़ता जाएगा। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए, अब हमारी ये, अब हमें 6 फंदे तो सीधे ही बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6, और राइट साइड से हमें एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरीके से। एक फंदा इधर बढ़ गया। 2 फंदे जो हमें बीच के हैं उसे हम सीधा बुनेंगे और फिर इसके बाद 6 फंदों से पहले एक फंदा और बढ़ा देंगे। ये दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया। अब हम इन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड पे 6 फंदों को सीधा बुनना है। ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इसके बाद जो हमने फंदा बढ़ाया था उसे हम उल्टा बुन लेंगे।
और जो दो बीच के सीधे थे उन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमें बीच के चार फंदे उल्टे बुनने हैं। और बाकी छह फंदों को हम फिर सीधा बुन लेंगे। अब हमें फिर इधर से फंदे बढ़ाने हैं, तो पहले हम छह फंदे सीधे बुनेंगे। ये छह फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर एक फंदा ऐसे बढ़ा दिया और बाकी फंदों को चार जो फंदे थे हमें सीधे बुनने हैं। फिर एक फंदा हमने इधर को बढ़ा लिया दूसरी तरफ, ये देखिए, फिर छह फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। अब लेफ्ट साइड में हमें छह फंदे सीधे बुन के उनको इधर अपनी तरफ किया और जो फंदा बढ़ाया था उसे उल्टा बुन लिया। पहले हमने चार बुने थे, अब ये छह हो जाएंगे, तो छह फंदे बीच के उल्टे बुने जाएंगे। ये छह फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर बाकी जो छह फंदे हैं साइड के इन्हें सीधे बुन लिया। फिर राइट साइड पर छह फंदों को सीधा बुना। इसके बाद ये दो छह फंदे थे, अब हम छह फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से और बाकी ये छह फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये छह, इसके बाद एक फंदा और बढ़ा देते हैं इधर और बाकी ये छह फंदे हैं जो इन्हें हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, रॉन्ग साइड पे पहले छह फंदे सीधे बुने जाएंगे। और बाकी जो सेंटर के हमने दो बढ़ा दिए तो आठ हो गए, आठ फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बाकी छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद ये देखिए, अब आठ फंदे सेंटर के हो गए, तो अब हमें दो दो फंदों को ट्विस्ट करना है। मैं बताती हूँ इस तरीके से, जब आठ फंदे हो जाए तो इनको बस आठ ही रखना है सेंटर के ट्विस्ट करने के लिए। अब ये देखिए, इस तरीके से छह फंदे तो हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, छह फंदे सीधे बुन लिए, एक फंदा हमने बढ़ा दिया। अब ये जो आठ फंदे हैं बीच के, अब हमें ट्विस्ट करना है। तो जो पहले चार फंदे हैं उनमें से दो फंदों को, या इस तरीके से ऐसे चारों फंदों को उतार दिया और पहले वाले फंदों को लेफ्ट वाली सिलाई पे लेते हुए दो आगे जो पीछे फंदे हैं उनको आगे ले लिया और इनको सीधा बुन लिया। पहले पीछे वाले फंदों को बुना, फिर पहले वाले फंदों को ये सीधा बुन लिया। इसी तरह ये जो चार फंदे इन्हें भी ट्विस्ट करना है, इन्हें भी इस तरीके से करना है कि पीछे वाले फंदे पहले हम इस सिलाई पे लेंगे
और फिर अगले फंदे इस पे लेफ्ट वाली सिलाई पे लेते हुए इस सिलाई की जो फंदे हमने लिए हैं उस पे चढ़ा देते हैं लेफ्ट वाली सिलाई पर और इन्हें सीधा बुन लेते हैं। एक दो तीन और ये चार, ये देखिए एक बार ट्विस्ट हो गया इसमें। इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा, मैं अभी और बताती हूँ आपको। इसके बाद फिर हमने एक फंदा और बढ़ा लेना है यहाँ और बाकी छः फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में छः फंदे सीधे बुन लिए, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हमने सीधे बुन लिए। जो हमने अब बढ़ाया था फंदा उसे हमने लेफ्ट साइड में सीधा बुनना है। अब हमें सीधा बुनना है ये जो बढ़ाया था फंदा। आठ के बाद जो नौवां फंदा था, आठ तो हमारे बीच के फंदे थे, इसके बाद जो नौवां फंदा है वो लेफ्ट साइड से सीधा बुनना है और बाकी ये आठों फंदे उल्टे बुनने हैं। ये आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद जो इस साइड में भी नौवां फंदा आएगा ना, आठ से पहले एक सीधा बुना जाएगा उल्टी सिलाई पे और आठ बुनने के बाद जो आएगा नौवां फंदा वो लेफ्ट उल्टी सिलाई से सीधा बुना जाएगा। अब ये नौवां फंदा इधर से, आठ हमने उल्टे बुन लिए तो अब ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा। अब बाकी छह फंदे सीधे बुनने जाएंगे। ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड पे हमने आ गए। ये देखिए पहले लेफ्ट साइड में हमें छह फंदे सीधे बुनने हैं। छह बुनने के बाद हमने एक फंदा बढ़ाया और जो हमने बैक साइड से सीधा बुना था वो अब हमें उल्टा बुनना है। ये उल्टा बुनना है और बाकी आठ फंदे हमें सीधे बुनने हैं। आठ फंदों के आसपास जो फंदा है सीधी सिलाई पर उल्टा बुना जाएगा और लेफ्ट सिलाई पर उल्टी सिलाई पर सीधा बुना जाएगा। राइट सिलाई पर उल्टा और लेफ्ट सिलाई पे सीधा। ये आठ फंदे बुनने के बाद आठ फंदे बीच के ये हमने बुन लिए, इसके बाद जो फंदा बता रही थी मैं ये उल्टा बुना जाएगा, सीधी सिलाई से उल्टा बुना जाएगा। बाकी ये फंदे अब एक फंदा बढ़ेगा बुनने के बाद, ये एक फंदा बढ़ जाएगा। ये एक फंदा बढ़ गया, अब बाकी हमें ये छह फंदे सीधे बुनने हैं। एक दो तीन चार पाँच और ये छह, ये राइट साइड पे हो गया। ये देखिए इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और हमें लेफ्ट सिलाई से छह फंदे सीधे बुनने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः और एक फंदा उल्टा बुनना है ये वाला जो बड़ा है ये, और उसके बाद जो एक फंदा सीधा बुन वो सीधा बुना जाएगा और बाकी आठ फंदे अब हमें उल्टे ही बुनने हैं। ये देखिए आठ फंदे बुन लिए, अब ये हमारी उल्टी सिलाई है। इसके बाद आसपास का बताया था, आठ फंदों के आसपास का जो उल्टी सिलाई पे वो सीधा बुना जाएगा, उसके बाद एक फंदा उल्टा और बाकी छह फंदे सीधे।
अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, फिर उसके बाद छह फंदे सीधे बुने जाएंगे। फिर एक फंदा बढ़ेगा, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, और जो आठ फंदों के बराबर वाला है फंदा वो सीधी सिलाई पे उल्टा बुन, ये उल्टा और ये आठ फंदे सीधे। फिर इसके बराबर वाला उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बढ़ेगा, और फिर छह फंदे ये उल्टे, छह फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब इसके बाद उल्टी सिलाई पर, उल्टी सिलाई पे पहले छह फंदे सीधे, छह सिलाई, जो छह फंदे बुनने के बाद हमें फंदा बढ़ाना होता है। अरे नहीं, अभी तो उल्टी सिलाई पे ये हमने सीधे बुन लिए, बाकी ऊन को आगे किया, दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अब जो यहाँ बढ़ते जाएंगे फंदे दोनों तरफ से, तो वो उल्टी सिलाई से उल्टे सीधी सिलाई पे सीधे बुने जाएंगे, और ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा, और बाकी आठ फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, आठ फंदे बीच के मैंने उल्टे बुन लिए, अब ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा, बाकी दो फंदे जो बढ़ाए हैं, एक दो तीन फंदे जो बढ़े हैं, एक दो दो फंदे बढ़े हैं जो उसे उल्टा बुनना है, और बाकी ये छह फंदे सीधे। अब इसके बाद राइट साइड पर, राइट साइड पे हम फिर देखिए छह फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बुनने के बाद हमें एक फंदा फिर बढ़ाना है, और ये देखिए ये दो फंदे सीधे, और इस फंदे को उल्टा बुनना है। अब हमें फिर, अब इतना बनाने के बाद हमें फिर ट्विस्ट करना है, तो देखिए पहले चार फंदे उतार देती हूँ मैं, और पीछे वाले पहले वाले फंदे इधर ले देती हूँ सिलाई पर, और फिर पिछले फंदे में इसे आगे ले लेती हूँ। अब ये देखिए इन चारों फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ, चार फंदों को हो गया। अब इन चार फंदों को, तो जो मैं पिछले फंदे हैं, पिछले दो फंदों को ऐसे उतार लेती हूँ, और अगले फंदों को इस सिलाई पे ले लेती हूँ, और फिर इन दो फंदों को भी इसी सिलाई पे ले लेती हूँ। ये चार फंदे हो गए, इन्हें फिर सीधा बुन लेती हूँ। चार, ये देखिए ये हो गया दूसरी बार ट्विस्ट, बाकी इसके बराबर वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, और ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और ये दो, और एक फंदा फिर बढ़ा देंगे इधर। हमेशा दोनों तरफ से जो हमने छः छः फंदे बुने हैं उससे पहले पहले, इधर तो बाद में बढ़ेगा इधर पहले बढ़ेगा। एक फंदा बढ़ाने के बाद अब हम इसको छः फंदों को सीधा बुन लेते हैं। अब लेफ्ट साइड में छह फंदों को सीधा बुनना है, बाकी फंदों को इस सीधे फंदे से पहले जो है उन्हें उल्टा बुनना है। अब तीन फंदे हम बढ़ा चुके हैं, एक
दो तीन फंदों को उल्टा बुना, फिर ये वाला फंदा सीधा बुना, फिर सेंटर के आठ फंदे उल्टे बुने जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बीच के उल्टे बुनने के बाद ये फंदा सीधा बुना जाएगा और फिर उनको इधर किया और तीन फंदे, एक दो, ये तीन फंदे उल्टे बुने गए, फिर बाकी छह फंदे हमें सीधे बुनने हैं, दो तीन चार पाँच और ये छह। ये देखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए बीच के हमें आठ फंदे ही रखने हैं जो हमें ट्विस्ट करने होते हैं और बाकी साइड के ये बढ़ते जाते हैं फंदे। ये देखिए, ये देखिए आठ फंदों का तो ये ट्विस्ट इधर तक बनता जाएगा और जो साइड का एक हम उल्टा बुनते हैं इस तरीके से ये पैटर्न आता जाएगा और जो बढ़ते हुए फंदे सीधे बुनते जाएंगे सीधी सिलाई पर। अब हमें ये एक दो तीन चार पाँच छः सात बनानी है। ये सात बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिर टोटल ये सात बनानी है। अब हम दो बना चुके हैं, अब इसके बाद हमें पांच और बनानी है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अब इसका इतना बड़ा बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये टोटल तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगी तो 27 रोज हैं और अगर इन पांच को छोड़ देते हैं 22 रोज बनाई हैं। यहाँ तक बना के हमें अब जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं उसे छोड़ देना है यहाँ तक। ये देखिए ये सात, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये मैंने सात बनाई थी ना, सात के बाद फंदे बढ़ाने छोड़ दिए हैं और ट्विस्ट भी हम बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसको पहले एक सीधी सिलाई बुनेंगे फिर उसके बाद मैं उल्टी सिलाई बताती हूँ। ये देखो सीधी में ये पूरी सीधी सिलाई बुननी है एक, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने इसमें, पूरी सिलाई सीधी बनानी है। मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी सीधी सिलाई बुन ली है। अब इसके बाद हमें लेफ्ट सिलाई में 23 फंदे इधर रखने हैं, 23 फंदे इधर रखने हैं और बीच के जो 12 फंदे हैं उनमें से एक इधर घटे, इधर का घटेगा और एक इधर का घटेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं पहले ये यहाँ के 23 फंदे बुन लेती हूँ। ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए, बाकी फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। ये देखिए इस तरफ के मैंने 23 फंदे बुन लिए हैं। अब 12 फंदे जो हमें बीच में से छोड़ने हैं वो इस तरीके से, पहले 12 फंदों को ही बुन लेती हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ
दस और ये ग्यारह, ग्यारह फंदे मैंने बुन लिए। इसके बाद जो बारहवां फंदा है, लेफ्ट साइड के फंदे हैं जो, उनमें से एक मिलाते हुए अब घटाना शुरू करना है इस तरीके से। ये देखिए, एक फंदा ये बारहवां फंदा है और एक सिलाई का इस फंदा लिया और दो का एक कर दिए, घट गए। अब आगे नहीं इन्हें बुनना है, यहीं छोड़ देना है। सिलाइयों को टर्न किया, अब इन बारह फंदों को ही बीच में बुना जाएगा। बारह में से एक एक घट जाएगा, तो इस तरह ये देखिए, एक तो हमने बुन लिया, एक दो, अब सीधा ही सीधा सीधा उल्टा बुना जाएगा, तीन चार पाँच, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी, छः सात आठ नौ दस ये ग्यारह। अब ये बारहवां फंदा है, इस साइड के जो फंदे हैं उनमें से एक लेते हुए दो का एक इस तरीके से इसे घटा देना है। सेंटर के हमें बारह ही रखने हैं। अब इसे फिर टर्न करना है और इस फंदे को उतारा और बाकी फंदों को बुन लिया। इस बारहवें फंदे को इस सिलाई के एक फंदे को लिया, अगले फंदे को, और इसके साथ ऐसे मिलाते हुए दो का एक, इस तरीके से ये फंदा घट गया। अब हमें टर्न करना है सिलाइयों को और फिर सीधी सिलाई सीधी बुननी है। ये देखिए, ये बारहवां फंदा है, फिर इस सिलाई के फंदे के साथ मिलाते हुए ये देखिए दो का एक करना है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से फंदे घटते जाएंगे और यहाँ तक हमें घटाने हैं फंदे। टोटल ये बीच के बारह फंदे रह जाएंगे। पूरा मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये सारा पूरा घटा लिया। मैं इसको भी एक बंद कर देती हूँ, फंदा रह गया जो, ये देखिए इस तरीके से। ये आपको मैंने बताने के लिए छोड़ा था, ये इस तरीके से ये फंदा घट गया इधर का। अब ये लास्ट वाला फंदा ऐसे घटा देते हैं उल्टा, और इसके बाद ये सिलाई का भी लास्ट फंदा ऐसे घटा देते हैं। ये पूरे फंदे घट गए हैं। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस रो को। ये बारह फंदे रह गए, तो जो हमने सेंटर के छोड़े थे वही फंदे हैं ये। अब ये देखिए इस तरीके से आगे का पार्ट ये बन चुका है, ये वाला पार्ट। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट। तो इसमें भी एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ये वाले पैटर्न बनेंगे दोनों तरफ साथ साथ बनने। तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। इतना बनने के बाद अब हमें यहाँ से तीन रो छोड़ के, एक दो तीन रो छोड़ के, और चौथी रो से हमें फंदे उठाने हैं इस तरीके से। ये देखिए, एक ऐसे इस तरीके से इस वाली रो से हमें फंदे उठाने हैं। हर सिलाई से एक फंदा उठाना है। यह
यहाँ से ये फंदा उठाना है। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ तक फंदे उठा के अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए। ये फंदा मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक देखिए मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। और अब इन 12 फंदों को भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये मैंने फंदे बुन लिए। अब मुझे इस रो से भी इतने ही 26 फंदे उठाने हैं। दूसरी सिलाई लगा दी, ये वाली लगाती हूँ मैं। इसके बाद मुझे अब देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से मैं यहाँ से भी पूरे 26 फंदे उठा लेती हूँ। डबल पॉइंटेड नीडल है वो भी यूज़ कर सकती हैं इसमें, क्योंकि एक में ये आते नहीं है, थोड़ी बुनाई में परेशानी होगी इसलिए मैं ये वाली सिलाई यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ यहाँ तक उठा लिए। अब मैं आपको यहाँ तक पूरे फंदे उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से भी 26 फंदे उठा लिए। अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने तो सबसे पहले हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये लेफ्ट साइड है। अब हम ये वाला पैटर्न डाल रहे हैं, ये वाला 6 फंदे हमने यहाँ से सीधे बुन लिए। ये वाले सीधे बुन लिए 6। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड से ये फंदा जो उल्टा है वो सीधा बन जाएगा। 8 फंदे उल्टे बनेंगे लेफ्ट साइड से, फिर एक फंदा सीधा, फिर बाकी सीधे बनाने हैं। मैं बताती हूँ अभी पैटर्न के। देखिए मैंने 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब एक फंदा सीधा और फिर 8 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 के बाद एक फंदा फिर ये सीधा आएगा और बाकी फंदे हम इधर तक, इतना पैटर्न यहाँ डाला है, इधर तक के फंदे छोड़ के इधर तक हमें उल्टे बुनने हैं। ये लेफ्ट सिलाई है तो उल्टे बुने जाएंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आप बुन सकती हैं इसे। 4 सिलाई हम यूज़ कर सकती हैं, 2 से भी बुन जाएगा ये।
अब हमें यहाँ छह फंदे तो किनारे के जो हमें सीधे बुने जाएंगे, छह फंदे यहाँ छोड़ने, फिर एक फंदा सीधा लेफ्ट साइड में उल्टा बुना जाएगा, आठ फंदे फिर उसके पैटर्न के वो आठ फंदे उल्टे बने, एक फंदा फिर सीधा, तो इतने फंदे ये हो गए। सोलह फंदे छोड़ के अभी हमें ये सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर इसके बाद हमें ये जो सोलह फंदे रह गए हैं इसमें एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब इधर वाला पैटर्न है, ये दोनों तरफ से ऐसे बनेगा था इसलिए ये वाला पैटर्न है, एक सीधा आठ फंदे उल्टे। सात आठ, आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा सीधा और फिर छह फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये जो किनारे के बॉर्डर बन रहा है ये वाला, ये छह फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे हमें पहले छह फंदे सीधे बुनने हैं, छह छह फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर जो हमने इधर सीधा बुना था लेफ्ट में, अब राइट साइड पे इसको हमने उल्टा बुनना है और फिर आठ फंदे जो हमने उल्टे बुने थे अब इधर सीधी सिलाई पे सीधे बुनने हैं। दो तीन पाँच छः सात आठ, ये आठ फंदे हमने सीधे बुन लिए और जो उसके बराबर वाला फंदा हमने इधर सीधा बुना था अब इधर सीधी सिलाई पे उल्टा बुनना है और बाकी हमें इधर पैटर्न तक सीधे बुनने हैं। अभी मैं यहाँ तक बुन के बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सीधे बुने जाएंगे, नीचे सोल में ये वाले ये फंदे सीधे बुने जाते हैं यहाँ तक। ये देखिए ये पैटर्न एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो मैं आपको ये वाला इधर तक बना के भी दिखाती हूँ। अब हम दूसरी साइड के पैटर्न पे आ गए हैं। ये देखिए तो जो फंदा हमने इधर सीधा बुना था वो उल्टा बुना जाएगा, ये भी राइट साइड है और आठ फंदे सीधे। आठ ये आठ फंदे सीधे बुन लिए, एक फंदा उल्टा बुना जाएगा जो हमने इधर सीधा बुना था और बाकी छह फंदे जो हमें बॉर्डर के किनारे है जो उसको हम सीधा बुनेंगे। ये राइट साइड पे है। अब मैंने दो सिलाइयों पे बुन रही हूँ, आप ये आपके ऊपर डिपेंड है आप चार सिलाई से बुने या वायर वाली नीडल यूज करें। देखिए इस तरीके से अब मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। रॉन्ग साइड पे पहले छह फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। छह फंदे सीधे बुन लिए, उसके बाद जो हमारा ये वाला सीधा फंदा था इसे सीधा बुनेंगे और फिर आठ फंदे हम उल्टे। आठ और जो हमारा उल्टी साइड से सीधा फंदा उसे सीधा बुनेंगे, बाकी फंदे हम उल्टे बुनते जाएंगे।
दूसरे पैटर्न तक हम उल्टे बुनेंगे, ये बीच के जो फंदे आते हैं। दूसरे पैटर्न तक आने तक मैं बताती हूँ आपको। ये हम देखिए दूसरे पैटर्न तक आ गए, दूसरी तरफ के पैटर्न तक इसको सीधा बुना, जो हमने उल्टी तरफ से सीधा बुना है। अब आठ फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। एक फंदा सीधा बुना और बाकी ये जो छह फंदे बॉर्डर के उन्हें सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब हम राइट साइड पे हैं। अब इसके बाद जो छह फंदे हमने सीधे बुने हैं वो सीधे बुने जाएंगे। देखिए इस छह फंदे मैंने सीधे बुन लिए, फिर एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। अब इन आठ फंदों को ट्विस्ट करना है दो दो करके। तो पहले चार फंदों को मैं ट्विस्ट करती हूँ, इस तरीके से चार फंदों को उतार दिया और पहले वाले फंदों को लेफ्ट वाली सिलाई पे चढ़ा दिया और फिर उसके बाद पीछे वाले फंदों को ऐसे लेते हुए इसी सिलाई पे हम चढ़ा देते हैं और चारों को सीधा बुन लेते हैं। दो तीन और चार, इसके बाद फिर इन चारों फंदों को ट्विस्ट करना है जैसे कि हमने पहले पैटर्न में करा हुआ है। पीछे के दो फंदों को ऐसे उतारा और आगे के दो फंदों को ये पीछे ले लिया और फिर इसके बाद इन दोनों फंदों को भी इसी सिलाई पे ले लिया। चारों को सीधा बुनना है। तीन और चार, इसके बराबर वाला फंदा उल्टा और फिर बाकी फंदे सारे सीधे बुने जाएंगे। एक पैटर्न ये डल गया है, थोड़ा मुझे कोल्ड हो रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा ये एक पैटर्न डल गया है, उसके बाद अब मैं दूसरे पैटर्न पर पहुँचती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम दूसरे पैटर्न की तरफ आ गए हैं। तो उल्टा फंदा बुन लेते हैं पहले, जो आठ फंदों के आसपास का हम बताते हैं सीधी सिलाई पर उल्टा, उसके बाद उनको पीछे किया और पहले चार फंदों को ट्विस्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से पहले वाले फंदे पीछे लाएंगे और आगे वाले फंदों को फिर पीछे वाले फंदों को इन पे आगे ऐसे उतार देते हैं और फिर इन चारों फंदों को सीधा बुन लेते हैं। दो तीन और ये चार, इसी तरह दूसरे चार फंदों को भी ऐसे करना है। ये पीछे वाले फंदों को इस सिलाई पे लिया और आगे वाले फंदों को हम पीछे ले आते हैं और फिर इन पीछे वाले फंदों को भी इसी सिलाई पे लेते हुए चारों को सीधा बुन लेते हैं। तीन और चार, इस साइड का भी ये पैटर्न बन गया। अब हमें एक उल्टा बुनना है जो उसका है और बाकी फंदे हमें ये बॉर्डर के छह फंदे सीधे बुनने हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ये वाला पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है तो हमें ये सात बार बनाना है। इसके बाद मैं इसकी ये हील है फिर बताती हूँ आपको, इतना बना के दोनों तरफ से इतना बन जाएगा। ये देखिए अब मैंने यहाँ तक पूरा ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात तक हो गया है। अब इसके बाद हम ये देखिए यहाँ तक ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम हील बनाते हैं इसको। ये जो हील है अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें
ये टोटल 64 फंदे हैं, तो हमें इसमें 10 सेंटर में रखने हैं हील के लिए, और बाकी 27 फंदे इधर रखने हैं, 27 इधर, और 10 फंदे जो हैं एक इधर से घटाएंगे एक इधर से घटाएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, अब हमें पूरा सिंपल सीधा और उल्टा बुनना है। ये देखिए मैंने 27 फंदे एक साइड के बुन लिए। अब इसके बाद जो बीच के 10 फंदे हैं मैं उन्हें बुनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस 10वें फंदे को, इसका जो पहला फंदा है इसके लेफ्ट सिलाई में जो है फंदे, पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का ही करना है बैक लूप से। ये देखिए एक फंदा यहाँ घट गया है। अब हमें ये बुनने नहीं है, सिलाइयों को टर्न करना है और फिर इसको उल्टा बुनना है। इसको उतार लिया, फिर ये पूरे 10 फंदे उल्टे बुनने हैं, 9 फंदे एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 फंदे हो गए सेंटर के, 3 3 6 3 9। अब ये 10वां फंदा है, इस वाली सिलाई का जो पहला फंदा उसे मिलाते हुए 2 का एक बनाना है। ये देखिए एक इस साइड का घट गया। अब हमें ये इन फंदों को छोड़ देना, बुनना नहीं है और इसे टर्न करना है। इस तरीके से बीच के फंदे घटते जाएंगे। अब इसे उतारा, बाकी फंदों को बुन लिया, ये देखिए इस तरीके से ये बाकी फंदों को बुनते हुए मैं अभी 10वें फंदे को, ये 10वें फंदे को इस वाले फंदे से मिलाते हुए 2 का एक करना है, ये बैक लूप से घटाना है। अब इसके बाद फिर टर्न कर लिया, इस फंदे को उतारा, बाकी फंदे उल्टे बुन लिए, इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का एक बनाना है। फिर सिलाइयों को टर्न किया, ये देखिए फिर इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का एक। इस तरीके से हमें घटाते हुए जाना है, और तब तक घटाना है जब तक कि यहाँ ये 6 ना रह जाएं, इस सिलाई पे भी 6 रह जाएं और इस सिलाई पे भी 6 रह जाएं। इतना इतने सारे ये घट जाएंगे फंदे, इतने तक घट जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक घटा दिए हैं, ये दोनों तरफ से यहाँ तक घटा दिए। अब यहाँ यहाँ दोनों के 6-6 फंदे रह गए हैं, 6 यहाँ के रह गए, 6 यहाँ के रह गए, ये बीच के 10 हैं। यहाँ तक ये मैंने हील का ये पार्ट बना दिया है, ये देखिए। ये देखिए हील का पार्ट है ये। अब मैं यहां से इसको टर्न करती हूँ। अब ये देखिए इस फंदे को मैंने ऐसे उतार लिया। अब यहां 2 फंदे 2 का एक करना है, सीधी सिलाई से बैक लूप से 2 का एक, एक फंदा यहां घट गया, और अब है ना सिलाई भी बदले, सॉरी
चलो पहले मैं यही सिलाई इसको ऐसे कर देती हूँ, ये दो का एक घटाया मैंने और फिर अब यहाँ भी मैंने दो का एक बना दिया। तो इस सिलाई में, सीधी सिलाई में मैंने दो फंदे घटा दिए हैं और ये तो दो घटते ही हैं। अब इसको टर्न किया, अब हमें उल्टी सिलाई नहीं बुननी है, अब हमें सीधी सिलाई बुननी है। पीछे से बैक साइड से उल्टी सिलाई से हमें अब ये भी हमें सीधा ही बुनना है। अब ये देखिए ये उतार लिया, फिर हमने दो का एक बना लिया, ये बैक लूप से दो का एक बुनना है। ये देखिए एक ये और एक ये और फिर इसमें दो का एक लूप बनाना है, ये दो इस तरीके से, ये देखिए दो का एक ये बनाना है इस तरीके से, ये दो का एक। अब हमें टर्न करना है और इसे सीधा ही बुनना है। इसको इसके साथ मिला देते हैं। अब इसके बाद इसको उतारा, दो का एक फिर दो का एक। तो इस तरीके से हमें तीन बार ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। अब हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाना है। एक साइड के फंदे बिल्कुल कट गए। और अब इन फंदों को भी मैं तीन तीन करके, ये देखिए इस तरीके से मैं इनको घटा बंद कर देती हूँ, तीन को एक साथ फिर तीन को एक साथ। ये पूरा हो गया यहाँ तक, ये देखिए हो गया पूरा कंप्लीट, ये इसकी हील, ये देखिए। अब मैं इसको कट कर लूँगी और इसे अंदर अंदर हाइड कर दूँगी और इस तरीके से इसको भी अंदर हाइड कर दूंगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दूसरा भी हो गया कंप्लीट। ये देखिए ये देखिए इसकी ये वाली एड़ी, देखिए हील ये वाला हिस्सा, ये देखिए अब ये हो गया, ये देखिए।